यहाँ पे देखो दर्शु की तबीयत बिगड़ गई है, दर्शु को भी बहुत ज्यादा बुखार आ गया है। रात को 2 बजे आया है ना दर्शु, रात को 2 बजे आया, अभी तक मतलब बुखार उतरा नहीं है। तभी मैंने पोता लगाया मीठा पानी का, तो अभी थोड़ा फर्क पड़ेगा, तो अभी देखते हैं, अभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बहुत बुखार है इसलिए रिपोर्ट करो। ठंडी भी बहुत ज्यादा लगती है, देखो भी 2-3 चादर ओढ़ी है तो भी ठंडी बहुत लगती है, रिपोर्ट करवाना पड़ेगा। रिपोर्ट करो तो ही पता चलेगा क्या है। अभी वो गरम से दर्शन देखो, अभी रूही का भी स्कूल का टाइम भी हो चुका है और सब साथ में हुआ है अभी तो अभी देखो दर्शक आंखो खोलो तो आग भी बहुत लाल हो गई है, देखो अभी यहाँ पे मैंने खावा मे दर्शक एटलू गरम छे, दवा पीधी पण काही फरक नहीं पड़ता है, रिपोर्ट करावो ज पड़शे। બાર જો ટ્રાવેલિંગ કર્યું ને એટલે બહુ તકલીફ છે, હા ને પછી બધું અલગ અલગ ત્યાં ખવાતું હોય, ગેસ થયો એટલે ઊંઘ ન આવે, 2 દિવસ બસ માં જાતા રહે, ઉજાગરો થાય એટલે વધારે તકલીફ પડે, ઉજાગરો થયો એટલે કળતર આવી ગઈ, હા તો અભી દેખો ભી દર્શક એ હાલત મેં અભી તો ચલાલા જાના થા અભી, લેકિન અભી દેખતે હૈ ડોક્ટર કે પાસ જાકે ચલાલા જાયેંગે, એટલે પહેલે તો ડોક્ટર કો દિખાયેંગે, બાદ મેં ડોક્ટર ક્યા બોલતે હૈ ઉસકે બાદ સબ સોચેંગે। यहाँ पे देखो दो पानी लिया है, मीठा पानी और प्लेन पानी लिया है मैंने, तो दो पानी का भी पोता लगा रही हूँ मैं, नमक वाला और प्लेन पानी, ये प्लेन पानी है और ये दोनों नमक वाला है। सूरत वाला व्लॉग नहीं आएगा फिर सब लोग, चूंकि तबीयत ठीक नहीं है तो आज एडिटिंग भी नहीं हुआ है इसलिए यही आपको दिखा देंगे। तो फेस भी कितना लाल हो गया दर्शक, दो ताव है ना इसलिए अभी माजिन मकर माटे जबर ना तू आज ओहो दो है काका नी लोगों ने जी है मारे जाओ पड़ी सब बदन दाना है पुनः क्या होता है अभी पता नहीं है, अच्छा हो जाएगा, आप सब प्रे करो भगवान को दर्शक जल्दी ठीक हो जाए। हाँ अभी बजे सुबह के 7 और अभी रात को मतलब दर्शक को इतना बुखार आ गया था ना, अभी मतलब मीठा पानी का पोता लगाना पड़ा, तो अभी जाएंगे डॉक्टर के पास, अभी दवाखाना भी अभी बंद होगा 7:15 सुबह के, तो अभी दर्शक को मैं अभी मीठा पानी का पोता लगा रही हूँ क्योंकि रात को इतना बुखार आ गया था ना, मैंने अभी पहली बार ऐसा देखा, इतना बुखार आ गया था, पता नहीं अभी क्या होता है, डॉक्टर के पास जाएंगे तब पता चलेगा क्या हुआ है। तो अभी आज रूही की एग्जाम भी है तो उसको पापा छोड़ के गए, छोड़ने के लिए गए रूही को, और वीराली आरोही को संभाल रही है, मैं दर्शक के पास हूँ। तो अभी ऐसा है तो अभी क्या होता है कि घर में किसी को भी थोड़ी भी तकलीफ होती है ना तो अच्छा नहीं लगता, वैसे तो दर्शक मतलब पहले इतना बीमार नहीं पड़ते थे, अभी मतलब बहुत होता है उसको, बस में भी बहुत ठंडी लगी थी उसको, तो बस में भी बुखार आ गया था, तो अभी रिपोर्ट करवाना पड़ेगा, तो अभी चलो डॉक्टर के पास जाएंगे थोड़ी देर के बाद, और आप भगवान को आप सब प्रे करो कि दर्शक जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। आरोही भी उठ गई है तो अभी उसको अच्छा नहीं लगता है। आरोही आरोही पापा को क्या हुआ है, आरोही पापा को क्या हुआ है, आरू ऐसा नहीं करना बेटा, पापा को क्या हुआ, तो यहाँ पे देखो आरोही बता रही है मम्मा पापा मैंने सूज लिया है, तभी आरोही एप्पल खा रही, देखो उसका मुंह देखो, मैं मुंह देखो उसका आरोही का, एप्पल सो खाई छे, अभी कैसा है दर्शक, थोड़ा बेटर है अभी पहले से, दवा ली ना थोड़ा 50% अच्छा है, अभी भी दर्शक बहुत गर्म है, बुखार से थोड़ा जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, उसका रीजन क्या है पता नहीं है।
थाक से वजह से होता है मुझे ऐसा लगता है। थाक की वजह से नहीं, हमारे बुरे कर्म की वजह से होता है। ऐसा होता है। राम अवतार में राम भगवान ने सुग्रीव बाण मार्यो तू, तो कृष्ण अवतार में ने परिजनम ब्रिदन बाण मार्यो। कर्म क्यारे छोड़तो नहीं, छोड़े नहीं। साची बात छे। એટલે ભજન કરવાનું, રાત નું ભગવાન નું નામ લો, ભગવાન નું નામ લેતા લેતા જીવ વયો જાય તો ભગ સદગતિ થાય। આમે જ્યારે આપણે બીમાર પડીએ ત્યારે ભગવાન બહુ યાદ આવે, બધાને, આપણી વાત નહીં બધાને। એવું એટલે તો ભગવાન દુઃખ નાખે છે, કે કહો તમે ભગવાન યાદ કરો, નહીં તો યાદ કરતું જ નથી। કર્મ કરવા માણસ ત્યારે જ આગળ આવે જયારે દુખી થાય, બાકી ક્યાં કોણ ટાઈમ છે। સારા કર્મો કરતા હોય ને અને છતાંય ભગવાન દુઃખ નાખે ને તો આપણા જૂના કર્મો ધોતા હોય। આપણે અત્યારે સારા કર્મ કરીએ અને છતાંય આપણે દુઃખ ભોગવવું પડે તો આપણું જૂનું હોય ને, જૂનું હોય એ ભોગવવું પડે ને, ભોગવવું પડે। એવું છે। ટીંગલી એ ટીંગુ પપ્પા ને દે છે જો। અરે વાહ, નહીં ખાવ બેટા, તું ખાઈ જા, તું ખાઈ જાવ। પપ્પા ને આપો, અરે પપ્પા ને આપો, તબિયત બિગડ ગઈ। हाँ, तो उसको ठंडी भी रात को बहुत लगी थी, तबीयत बिगड़ गई, बिगड़ गई उसकी। हाँ, दवा भी लिए कुछ फर्क। तुम भी आओगी मेरे साथ? जरूर पड़ेगी तो मैं आऊंगी, तो हम साथ में जाएंगे सब लोग। ओके, साथ में जाएंगे। ओके, तभी घर पे आरोह को भी संभालना होता है, मम्मी को खाना बनाना होता है, तो मैं आऊं या ना आऊं सोचेंगे। हाँ, सोचेंगे, कोई बात नहीं। मैं और विशाल जाएंगे साथ में, ऐसा लगे तो गुलाब काका को इन्वाइट, गुलाब काका को भी बुलवाएंगे जरूरत पड़ी तो। ओके, और क्या है आज? अब तो कुछ जी सोचा नहीं है। हाँ, जैसे जैसे दिन चला है वैसे वैसे बताएंगे, है ना। चलाला चलाला करे सवार ना। पर तबियत पेला जो पड़े दर्शक पछी जो है ना, एटले अहीं ट्रीटमेंट सारी थाई। एटले तो चलो, अभी थोड़ी मैं मम्मी को हेल्प करती हूँ, तो अभी उसके पास जा रही हूँ, थोड़ा मैं भी हेल्प करूँ। मम्मी कल ही सफरी हो जाते हैं, तो चलो अभी अभी तो कितने बजे जाएंगे डॉक्टर के पास? बस सुबह सुबह मैंने पोचा लगाया तो अभी थोड़ी बेटर है, पहले से थोड़ी ही बेटर है, लेकिन अभी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। बुखार वैसे तो उतरता नहीं है तुरंत, इसीलिए जाएंगे। तो अभी जाएंगे 9:30-10 बजे जाएंगे, डॉक्टर 11 बजे आते हैं। तो अभी चलो, अभी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ मम्मी को, थोड़ा काम है वो, अभी सब फिनिश हो जाएंगे बाद में जाएंगे। तो अभी दर्शक सोए हैं, तो अभी चलो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है, भगवान को प्रे करो दर्शक जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी आपके सामने आए अच्छे से मस्त एंजॉय करके। बाय।